दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सोलन शहर के पालिका बाजार में लाश, अभी तक नहीं हो पाई शव की पहचान। दमकल विभाग की गाड़ी से टकराई कार, एक व्यक्ति को आई चोटें, एनएच पर लगा लंबा जाम। अलसू में नव निर्मित फोर लेन पर एक साथ टकराई तीन गाड़ियां। बीच रास्ते में खड़ी हो गई सरकारी बस, फ्यूल पंप खराब होने के कारण हाफी गाड़ी, सवारियां परेशान। बिजली के मसले पर होगी भारत बांग्लादेश के बीच बात, धर्मशाला पहुंचा बांग्लादेशी डेलीगेशन। और अब खबरें विस्तार से। सोलन शहर के बीचों बीच नगर निगम भवन के साथ पालिका बाजार में सुबह एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। घटना शुक्रवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। जब पालिका बाजार के कुछ दुकानदार सुबह दुकान खोलने आए तो उन्होंने एक अनजान व्यक्ति का शव जमीन पर पड़ा देखा। इसकी जानकारी स्थानीय दुकानदार के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने कहा कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है, मामले की छानबीन की जा रही है। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुरुष की जो है यहाँ पे एमसी पार्किंग में जो है एक कम्प्लेक्स में लाश पड़ी है, जिस पे पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी उस व्यक्ति के बारे में पता किया जा रहा है कि ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था और इसकी मौत का कारण क्या है। तो अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। व्यक्ति की पहचान किसके नाम अभी कई की जा रही है पहचान की। रामपुर के नोगली के पास शुक्रवार सुबह लगभग 9:15 बजे रिकांगपियो से शिमला जा रही अग्निशमन विभाग की गाड़ी और रामपुर की ओर से जा रही ऑल्टो कार में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार चालक देवराज को चोटें आई हैं, जबकि कार में एक महिला भी बैठी थी जो सुरक्षित है। टक्कर की वजह से एनएच पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। इस दौरान घायल को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी रामपुर ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को बहाल किया। कहाँ से है सर आप? जिला थाना से। क्या नाम है सर आपका? देवराज। अच्छा, कहाँ से आ रही थी आप? जिला थाना से आ रहे थे। तो ये फायर ब्रिगेड गाड़ी के साथ बची आप, अग्निशमन के साथ? क्या गलती किसकी महसूस हो रही है? इसने बजाया मेरे को। अच्छा, उन्होंने जा रहा था इधर से, क्या बोलते हैं, नीचे। अच्छा, आप ड्यूटी जा रहे थे? हाँ जी। नहीं, किस में काम करते जी आप? मैं प्रोजेक्ट में करता हूँ। प्रोजेक्ट में कौन सा जी? एसटीवी। अच्छा जी, तो अभी तो आप ठीक हैं कि ये हॉस्पिटल? हॉस्पिटल जा रहा। अच्छा जी, टेस्ट वगैरह में दर्द हो रही है, तो अभी पुलिस नहीं पहुँची? पुलिस नहीं पहुँची। ठीक ठीक है, थैंक यू थैंक यू। डहर उप तहसील के कांगू डहर संपर्क मार्ग पर गुरुवार शाम को अलसू के श्री अम्बिका मंदिर के मुख्य द्वार के सामने नव निर्मित फोर लेन पर एक सड़क हादसे में तीन गाड़ियों की टक्कर हो गई। यहां पत्थरों से लदे एक ट्रक ने विपरीत दिशा में जा रही दो गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में तीन वाहनों को नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि अंदर बैठे सभी सवार बच गए। मामले में सभी वाहन चालकों में आपसी समझौता होने के चलते पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब सवारियों का भार ढोने में सक्षम नहीं रही है तथा अक्सर यहां वहां हाफ कर खड़ी हो जाती हैं। शुक्रवार को भी सवारियों से भरी पठानकोट डिपो की काठगढ़ से चामुंडा जा रही सरकारी बस पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर स्थित भारी नामक स्थान पर हाफ गई। बस का फ्यूल पंप खराब हो गया तथा बस में बैठी सवारियों को, खासकर स्कूली व कॉलेज छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सवारियों को काफी देर तक परेशान होना पड़ा। बाद में किसी अन्य सरकारी बस में सवारियों को बैठा कर उनके गंतव्यों की तरफ भेजा गया। पठानकोट डिपो की जो बस है यहाँ पे ऐसा थी, यहाँ पे आके जो है खराब हो गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं मार रही थी और एक कम से कम एक घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई है और बहुत सारे यहाँ पे स्कूली छात्र थे, इसमें
और बहुत सारी सवारियाँ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। HRTC का बहुत ही बुरा हाल है सर, आए दिन यहाँ पे ये बसें यहाँ पे कितनी इसी एरिया में क्यों ख़राब हो जाती है। क्या समस्या आई है? समस्या टेक्निकल फॉल्ट है, गाड़ी खराब हो गई, चलती रूट पे जा रही थी। कितनी सवारियाँ हैं? कितनी सवारियाँ हैं? सवारियाँ तो ये तो गगल की हैं, ये 15-20 सवारियाँ कुछ भेज दी हैं। अच्छा, 20वीं इंडो बांग्ला पावर स्टीयरिंग कमेटी की धर्मशाला में होने वाली बैठक के लिए बांग्लादेश का 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल स्पाइस जेट के विमान से 11 बजे गग्गल हवाई अड्डा पर पहुंचा। इस बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बांग्लादेशी डेलीगेशन का स्वागत CGM पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जम्मू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट सहित 25 सदस्यों ने किया। इस बांग्लादेश के डेलीगेशन को सड़क मार्ग से धर्मशाला के एक होटल ले जाया गया।